गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री। तो आप लोग देख पा रहे हैं अभी इसका पूरा हम लोग पूरा एक राउंड दिखाने वाले हैं। देखिए ये सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री है, तो अभी देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। मैं अपने दोस्त के साथ पूरा इसका एक चक्कर लगाने वाला हूँ आज। ये पीछे का हिस्सा है, वैसे ये सेक्टर 81 में है, नोएडा सेक्टर 81। अभी देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, पूरा एक चक्कर मारने वाले हैं हम इसका। और इसमें अगर इसको फ्लोर एरिया के हिसाब से काउंट करें तो 1,29,000 स्क्वायर मीटर में है ये। सही है भाई, यहाँ पागल भी घूमते रहते हैं, सावधान रहे यहाँ आने से पहले। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है ये। यहाँ सैमसंग के कई सारे फोन बनाए जाते हैं। ये टेस्ला के गीगा फैक्ट्री से कोई छोटा नहीं दिख रहा, बहुत ही बड़ा। तो 2018 में इसका जुलाई के महीने में उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी, और चाहे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। अभी सिर्फ हम लोग एक तरफ से पहुंचे हैं, हम लोग वहाँ पे थे बिल्कुल सीधा, और यहाँ से अभी इतना बाकी है। वैसे आपको बता दें कि सैमसंग इंडिया में काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत सारे फ़ोन बेचती है। अगर पूरे दुनिया में ब्रांड वैल्यू की बात करें तो सैमसंग का 7वां नंबर आता है। और एक बिल्डिंग वो सामने दिख रही है, वो भी शायद सैमसंग की ही है, आगे चल के देखना पड़ेगा, वैसे पूरा कंफर्म नहीं हूँ मैं। चलिए देखते हैं वहाँ पे। तो अभी इधर रास्ता बंद है, तो ये शायद सामने का पोर्शन है, यहाँ से देख सकते हैं। इधर गेट बंद है, हम लोगों को उधर जाना पड़ेगा। ये भी सैमसंग का ही पार्ट है, काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, काफ़ी लंबा है। ये दूसरा पार्ट है, ये शायद पुराना होगा, ये बाद में बना था, और ये काफ़ी बड़ा है। अभी चालू नहीं है लग रहा है, या फिर आज संडे है इसलिए कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है अंदर से। इसमें थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, तो शायद ये चल रहा है। अभी आपको आगे ले चलते हैं, ये भी काफ़ी लंबा है, यहाँ देख सकते हैं। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी लंबा है, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। कम से कम 500 मीटर चल चुके हैं, अभी ये ख़त्म नहीं होने वाला, देखते रहिए। यहाँ अंदर शायद कुछ काम चल रहा है, अंदर से थोड़ा बहुत तो आवाज़ आ रहा है। और इधर पार्क है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा तो जमाना निकल गया। अभी यहाँ देख सकते हैं इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैयार है, पूरी चौकन्नी। आप सैमसंग का लोगो भी देख सकते हैं, ये रहा एक गेट, ये है 5 नंबर गेट, लोग देख सकते हैं गेट। ये है सैमसंग स्टाफ सपोर्ट, सैमसंग का गेट। अंदर जाने के लिए बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। तो अभी गार्ड से हमने बात किया, वो लेकिन वो बोला अंदर नहीं जा सकते, काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे। सबके मोबाइल पे कैमरे पे स्टिकर लगा दिया जाता है जिससे वो फ़ोटो ना खींच सके अंदर कुछ भी। तो हमने कुछ अंदर काम करने वाले कर्मचारियों से भी बात किया है, जिन्होंने दिखाया कि उनके मोबाइल पे स्टिकर लगा हुआ था। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं थोड़ा और कुछ। तो अभी हम लोग वापस आ रहे हैं यहाँ से, वहाँ आगे भी एक सैमसंग का ही प्लांट है, काफ़ी लंबा है। और यहाँ से लेके एक ये बिल्डिंग ख़त्म होती है, फिर वो सामने दिखेगी एक बिल्डिंग, काफ़ी लंबा। हम लोगों ने सोचा था कि पूरा इसका एक चक्कर लगाएंगे, लेकिन इधर कोई रास्ता नहीं मिला। तो अभी हम लोग फिर उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, अभी देख सकते हैं काफ़ी लंबा है।
अंदर भी जाने को नहीं मिला। हम लोगों ने सोचा था कि अंदर से कुछ आप लोगों को दिखा सकेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, देख सकते हैं कितना लंबा हम लोग घूम के आ रहे हैं। यहाँ से लेके कम से कम 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। तो अंकल जी गाना सुन रहे हैं। पता नहीं कौन सा गाना था, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लग रहा था यूपी बिहार का ही कहीं का था। तो अभी देख सकते हैं शाम हो गया काफ़ी, सूरज ढल रहा है। तो मैं सोचा आप लोगों की थोड़ी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर दूं। तो बताना ये था कि यह सैमसंग पहली बार इंडिया में 1995 में आई थी और 1996 में यहीं पे एक कंपनी, एक फैक्ट्री बनाई थी, जहाँ से सबसे पहले वो टीवी बनाना शुरू की थी। टीवी के बाद फ्रिज, एसी और माइक्रोवेव बनाना शुरू किया। 2007 में पहली बार सैमसंग ने यहीं से मोबाइल बनाना शुरू किया था। देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा। तो ये है गेट नंबर 6 जो हमने आपको बताया था। यहाँ से मटेरियल जाता है अंदर, या तो कच्चा मटेरियल अंदर जाता होगा या फिर कच्चा मटेरियल पक्का हुआ मटेरियल यानी कि बना हुआ मोबाइल फोन बाहर आता होगा।